सो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल माय टेक्निकल मोनो में। तो गाइस आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि दोस्तों आप लोग अपने गूगल पे एप्लीकेशन को, आप लोग अपने गूगल पे ऐप को आप लोग बिना ATM कार्ड के आप लोग कैसे चला सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपके पास सिर्फ अपना आधार कार्ड रहना चाहिए। आप लोग दोस्तों सिर्फ अपने आधार कार्ड से अपने गूगल पे एप्लीकेशन को आप लोग कैसे बनाकर चलाएंगे, उसमें बैंक कैसे ऐड करेंगे, UPI पिन कैसे बनाएंगे, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपने गूगल पे एप्लीकेशन को आप लोग बिना ATM, बिना डेबिट कार्ड के, यानी कि दोस्तों अपने आधार कार्ड से आप लोग कैसे बनाकर चला पाएंगे। तो आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक वॉच करना, आप लोग बहुत आसानी से अपने गूगल पे एप्लीकेशन को अपने आधार कार्ड से बनाकर चला पाएंगे। आपको बस इस वीडियो को स्किप नहीं करना दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप एंड तक वॉच करना है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे अपने गूगल पे एप्लीकेशन को अगर आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल पे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड कर लिए तो अच्छी बात है दोस्तों। जब आप लोग यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे गूगल पे को इस प्रकार से ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर लगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। फाइनल दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे ईमेल ID होगा, आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल ID बदल भी सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे यही ईमेल ID चाहिए तो आपको यहाँ पे नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक OTP आपको रिसीव होगा, और दोस्तों यहाँ पे आपका OTP ऑटोमेटिक इसमें वेरीफाई हो जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, OTP इस प्रकार से वेरीफाई हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग अपने गूगल पे एप्लीकेशन में लॉग इन हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी आप लोगों का कुछ भी नहीं हुआ है, आप लोग यहाँ पे सिर्फ अपने गूगल पे एप्लीकेशन में लॉगिन हुए हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे सभी बैंकों का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी बैंक है यहाँ पे सभी बैंकों का लिस्ट आ गया। इसी प्रकार से आप लोग भी जब क्लिक करेंगे तो आपका बैंकों का लिस्ट आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे कोई भी बैंक हो, आप लोगों को अपना बैंक ऐड करना है दोस्तों। आपका कोई भी बैंक हो उससे नहीं मतलब, आपको यहाँ पे जो बैंक आप करेगा ऐड करना दोस्तों। यहाँ पे मेरा बैंक नहीं मिलेगा इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं सर्च बैंक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस प्रकार से लिखूंगा अपने बैंक का नाम। तो यहाँ पे मेरा बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक करूँगा, और दोस्तों आपको भी इस प्रकार से अपना बैंक यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ से अपने बैंक ऐड करना है, लिंक करना है, यहाँ पे अलाउ कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अगर 2 SIM यूज करते हैं तो आप लोग यहाँ पे अपना SIM भी चूज कर सकते हैं, और आप लोगों को यहाँ पे इस प्रकार से अलाउ करना है। दोस्तों आपका बैंक यहाँ पे ऐड होगा, लिंक होगा, आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं। आपको बस दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को इस प्रकार से मैसेज वगैरह आएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। तो आपका यहाँ पे बैंक भी ऐड हो जाएगा, आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना है। तो फाइनल दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो गया, लिंक हो गया, इस प्रकार से आपको भी ऐड होगा, लिंक होगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, इस प्रकार से सही वाला टिक लग जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से एक बार फिर से बैक आना है। और दोस्तों यहाँ पे गूगल पे एप्लीकेशन में आपका बैंक ऐड हो गया। लेकिन दोस्तों आप लोग जो अपना UPI पिन अपने आधार कार्ड से यहाँ पे गूगल पे में नहीं बना पाएंगे, लेकिन दोस्तों आप लोग अपना UPI पिन बना पाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको एक अलग एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा अपना UPI पिन बनाने के लिए आधार कार्ड से। तो दोस्तों आप लोग बिना UPI पिन के कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। दोस्तों डाउनलोड कैसे करना है, अगर आप लोग पहले से फोन पे को डाउनलोड कर लें तो आपको यहाँ पे 2 या 3 सेकंड तक इस प्रकार से आपको क्लिक किए रहना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, आपको इस पर क्लिक करके फोन पे को यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोस्तों आपको यहाँ पे हमारे टाइटल पे वाला जो टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना, और यहाँ पे आपको फोन पे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। यहाँ पे जो RBI का नया वर्जन है वो वाला लिंक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, आपको भी इसी पर क्लिक करना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, जो RBI का नया वाला वर्जन है इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं फोन पे को आपको इसलिए डाउनलोड करवा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गूगल पे में ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है कि आप लोग अपने आधार कार्ड से फुल प्रोसेस से गूगल पे को बना पाएँ। दोस्तों आपको फोन पे या पेटीएम एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और आप लोगों को उसमें अपना UPI पिन सेट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं फोन पे को डाउनलोड करूँगा, आपको भी इस प्रकार से मेरे लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे फोन पे को डाउनलोड करना है। और दोस्तों आपको वहाँ पे अपना UPI पिन आप लोग बहुत आसानी से फोन पे के अंदर आधार कार्ड से सेट कर पाएंगे। और दोस्तों जब आपका UPI पिन सेट हो जाएगा तो वही UPI पिन आपका फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, मतलब सब में वही UPI पिन लगता है। तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। दोस्तों आपको यहाँ पे फोन पे में अपना UPI पिन सेट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप लोग आधार कार्ड से गूगल पे को बनाकर चला पाएंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे आपको फोन पे एप्लीकेशन इस प्रकार से डाउनलोड होगा, यहाँ पे ओपन लिखाएगा। अब आप लोगों को यहाँ से बैक आना है। बैक आने को दोस्तों यहाँ पे आपको फोन पे एप्लीकेशन को इस प्रकार से आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर लगेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ।
मोबाइल नंबर को डालने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करें, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और यहाँ पे ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देख ही सकते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ परमिशन मांगा, सही परमिशन को आपको इस प्रकार से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे एक परमिशन और मांगेगा, आपको इसको भी अलाउ करके यहाँ पे ऊपर स्किप पे क्लिक करना है। इतना करने पर दोस्तों आप लोग इस प्रकार से अपने फोन पे एप्लीकेशन में आ जाएंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। दोस्तों वहाँ पे जैसे आप लोग गूगल पे में अपना बैंक ऐड किए थे उसी प्रकार से आपको यहाँ पे अपने फोन पे में अपना बैंक ऐड करना है। यहाँ पे आपका जो भी बैंक रहेगा आपको यहाँ पे सर्च माय बैंक नेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने बैंक का नाम लिखना है। यहाँ पे आपका बैंक आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा बैंक आ गया, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट ऐड होगा, लिंक होगा, आप लोग लाइव प्रूफ देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपका बैंक ऐड हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे इस प्रकार से गोल गोल घूम के यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो फाइनल दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट ऐड हो गया, लिंक हो गया, आपको भी इस प्रकार से लिंक होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे सेट पिन का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेरे में रीसेट दिखा रहा है, आप में सेट दिखाएगा तो आप लोग सेट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे मेरे में रीसेट दिखा रहा है तो मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा है यूजिंग आधार नंबर। आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपका यहाँ पे सबसे पहले तो आपका यहाँ पे एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड आएगा, लेकिन मैंने क्या कहा था कि आप लोग बिना एटीएम कार्ड के अपने गूगल पे को कैसे बनाकर चलाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे यूजिंग आधार नंबर पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। दोस्तों आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा लोड लेगा यहाँ पे, और आप लोगों के सामने यहाँ पे आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड का शुरुआत का 6 नंबर डालना है, जो भी आपके आधार कार्ड का शुरुआत का 6 नंबर रहेगा यहाँ पे आपको डाल देना। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपने आधार कार्ड का शुरुआत का 6 नंबर डाल देता हूँ, इस प्रकार से 35 19 42। तो आपका जो आधार कार्ड का शुरुआत का 6 नंबर रहेगा उसको आपको डाल के प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद यहाँ पे अलाउ करना है। दोस्तों यहाँ पे एक ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड से, और आप लोगों को सेवल पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपका एक ओटीपी और आएगा, जो कि दोस्तों आपके बैंक की तरफ से रहेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो वो भी ओटीपी यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनल दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए भी ओटीपी आ गया, और आप लोगों को फिर से यहाँ पे सेवल पे क्लिक करना है। इतना करने को दोस्तों आपको सामने यहाँ पे लिखा है सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन, हो सकता है आप में लिखा है सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन, या हो सकता है यहाँ पे लिखा है सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन। तो दोस्तों आपका कोई भी लिखाएगा तो आपको यहाँ पे अपना 4 अंक का यूपीआई पिन सेट करना है, या तो 6 अंक का अगर लिखाएगा तो 6 अंक का यूपीआई पिन सेट करना है। तो यहाँ पे आप लोग अपना यूपीआई पिन जो आप लोग यहाँ पे सेट करेंगे वो वाला यूपीआई पिन आपको किसी को बताना नहीं है। अगर आप लोग नहीं, आपको इस प्रकार से अपना यूपीआई पिन 4 अंक का बनाना है और आप लोगों को यहाँ पे सेवल पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको फिर से वही यूपीआई पिन डाल के इस प्रकार से आपको फिर से यहाँ पे सेवल पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपका यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो फाइनल दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूपीआई पिन सक्सेसफुली इस प्रकार से लिखा गया है। अब आप लोगों को यहाँ से बैक आना है। बैक आने को दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे टू मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ से आपको किसी के पास 1 या 2 रुपये आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे टू मोबाइल नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको किसी के पास 1 या 2 रुपये ट्रांसफर कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ से फोनपे से बैक आइएगा, और दोस्तों अब आप लोग फोनपे को डिलीट भी कर सकते हैं, 1 या 2 रुपये ट्रांसफर करके आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे गूगल पे एप्लीकेशन को इस प्रकार से ओपन करना है। और दोस्तों आपका गूगल पे एप्लीकेशन यहाँ पे फिर से एकदम बन गया है। आप लोग यहाँ पे अपने आधार कार्ड से अब आप लोग यहाँ पे आपका गूगल पे एप्लीकेशन बन चुका है, आप लोग यहाँ पे सब कुछ कर पाएंगे। आप लोग यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मोबाइल रिचार्ज, यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर पाएंगे। यहाँ पे पे फोन नंबर, यहाँ पे फोन नंबर मतलब आप मोबाइल नंबर के थ्रू किसी के पास पैसा सेंड कर पाएंगे। और यहाँ पे नीचे लिखा है आप लोग यहाँ पे अपने चेक बैलेंस पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग अपने बैंक का बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इसी प्रकार से बहुत आसानी से अपने आधार कार्ड से अपने गूगल पे एप्लीकेशन को बनाकर चला पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो आप लोग वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।